So narration will be being first call collected, yeah, first call money collected, that you can write. फर्स्ट कॉल मनी हमने कलेक्ट कर लिया. अब ये कॉल करते ही हमें क्या बात पता चली थी, नीता जिसके पास 300 शेयर्स थे, लिखा है हर शेयर्स वेर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को क्या करना है, फोरफिट करना है. अब फोरफीचर की क्या एंट्री होती है वो आपको देखनी पड़ेगी. तो फोरफीचर के लिए आपका जो शेयर कैपिटल है वो पहले आपको डेबिट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया. अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो शेयर है कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे. ठीक है, और अब तक नीता ने कितना पेमेंट कर दिया था इस पे, नीता ने अब तक कितना पेमेंट कर दिया था. सो यहां पर अब तक हमने डिस्काउंट को लेकर के 8 रुपीज डिमांड किए. कितने डिमांड किए, 8 रुपीज. तो अकॉर्डिंग टू 8 रुपीज हम यहां पर कंसीडर करेंगे, 8 3 24, सो 2400 ये आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. तो यहां पर जो शेयर फोरफिटेड है, फोरफिटेड मतलब उसने जितना पैसा भरा है उतना हम उससे छीन सकते हैं, करेक्ट है. सो 300 शेयर्स पे अभी तक नीता ने कितना अमाउंट पे किया था, तो चेक कीजिए 300 शेयर पे नीता हु वाज अलॉटेड 300 इक्विटी शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी. उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था, तो वही हम उससे छीन सकते हैं. तो 300 × 3 रुपीज था एप्लीकेशन मनी. यस सर, तो ये कितना हो गया, 900, बराबर है. अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स, नीता ने कितना अमाउंट पे नहीं किया, नीता ने ना अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया और ना ही फर्स्ट कॉल पे किया. अलॉटमेंट भी 2 रुपीज था, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपीज था, तो टोटल कितने हो गए, 4 रुपीज. तो ये दोनों अमाउंट नीता ने पे नहीं किए, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज. अब टोटल चेक करो, 1200 प्लस 900 कितना होता है, क्या 2400 होता है, नहीं, बैलेंस आता है उसमें कितना आ जाता है, 300 रुपीज का. तो ये कहां से आया, ये डिस्काउंट का अमाउंट है. टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, है ना, 1 रुपया हमने डिस्काउंट दिया था, याद आता है आपको. तो 300 × 1 रुपीज, ये डिस्काउंट आपको यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा. हेलो, तो यहां पर नरेशन हम लिख देते हैं, बीइंग शेयर और वी कैन राइट 300 शेयर ऑफ मिस नीता आर फोरफिटेड. For non-payment of call or you can write allotment money. ठीक है, तो ये हमने forfeit कर लिए. इसके बाद क्या लिखा है, देखो लिखा है संजय who was allotted 400 equity share paid application and allotment money only. दो चीज उसने पे किया, उसने क्या नहीं पे किया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया. And his share were forfeited after final call. तो अब हमको पहले क्या करना है, पहले हमको final call करना है, ठीक है ना. तो हम यहां पर लिखेंगे amount to be
कलेक्टेड ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे क्या अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो? तो हमारे शेयर देखो, आपको पहले पता चल गए कि 10,000 शेयर में से 300 शेयर जो है वो जा चुके हैं, ठीक है। सो 10,000 माइनस 300, तो कितना यहां पर बैलेंस बच जाएगा? 9,700, ठीक है। और फिर 9,700 शेयर्स इनटू कितना कलेक्ट करना है आप देखिए, फाइनल कॉल है 2 रुपीज का, सो 2 रुपीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन 9,700 इंटू 2 रुपीज आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19,400, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने के लिए आप यहां पर लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अमाउंट 19,400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 19,400, ठीक है, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू कर दिया हमने, या चार्ज आप लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट इफेक्ट किसका हो जाएगा? अब जो मिस्टर संजय है उनका 400 शेयर हम क्या करेंगे, फोरफीट करेंगे। तो पहले पैसे रिसीव कर लेते हैं, पैसे रिसीव करने के लिए पहले क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये जो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट हमें लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? इसमें भी 9,700 में से पहले हमें माइनस करना पड़ेगा 400 शेयर्स, ठीक है, इनटू 2 रुपीज के हिसाब से हमारे पास पैसा आ जाएगा। सो अगेन आप कैलकुलेट करेंगे 9,300 इंटू 2 रुपीज, 18,600 ये हमने कलेक्ट किया, 18,600, ठीक है। और जो कलेक्ट नहीं किया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 400 शेयर्स इंटू 2 रुपीज डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, तो ये कितना हो गया 800 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल कितना करना था हमें, 19,400 का, तो टोटल करके देख लो इसका 19,400 आता है क्या? यस आता है। वी विल राइट बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। नाउ नंबर 10, अब क्या होगा, अब फोरफीट करेंगे। फोरफीट करने की आपको भी पता है क्या एंट्री हो जाती है यहां पर जब हम फोरफीट करेंगे, तो जो पर्टिकुलर फोरफीचर की एंट्री देखी हमने यहां पर नीता के समय पास की थी, सेम इफेक्ट आपको अभी देना है, ठीक है। सो मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ नाउ 300 शेयर, अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है 400 शेयर की। अच्छा, अब तक हम कितना अमाउंट डिमांड कर चुके हैं, हम पूरा फुल अमाउंट डिमांड कर चुके हैं, तो हम यहां पर 10 रुपीज लिखेंगे। तो यहां पर अमाउंट कितना आना चाहिए, 400 इंटू 10 दैट इज 4,000, ठीक है, ओके। दूसरी बात आप देखिए, शेयर फोरफिटेड में क्या होता है, अब तक संजय कितना अमाउंट पे कर चुका है,
अब तक संजय कितना अमाउंट पे कर चुका है? तो उन्होंने दो चीज बोला, अप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया है, अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दिया है ना। तो अप्लीकेशन का 3 रुपीज, अलॉटमेंट का 2 रुपीज, टोटल 5 रुपीज वो पे कर चुका है। तो शेयर फोरफिटेड में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 400 शेयर्स इंटू 5 रुपीज, बराबर है। तो क्या आंसर आएगा यहां पर? 2000। अच्छा, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। तो संजय ने क्या क्या कॉल्स इन एरियर्स किए हुए? तो संजय ने ना फर्स्ट कॉल पे किया, ना फाइनल कॉल पे किया, दैट मींस टोटल 4 रुपीज उसने पे नहीं किए हैं, ठीक है ना। कितना पे नहीं किया? 4 रुपीज पे नहीं किया। तो सिमिलरली 400 शेयर पे 4 रुपीज, वो कितना हो जाएगा? 1600, ठीक है। तो आप टोटल देखेंगे, टोटल मैच कर रहा है क्या? नहीं, अभी भी कितना कम है? 400 रुपीज कम है। तो वो कहां से आएगा? वो डिस्काउंट से एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज हमने क्या दिया था? पर शेयर पे डिस्काउंट दिया था। तो 400 × 1 रुपीज कितना हो जाएगा? 400। ये समझा क्या? तो हम यहां पे लिखेंगे बीइंग 400 शेयर्स ऑफ मिस्टर संजय are forfeited for non-payment of call. Getting it everyone? ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, ये जो हमने सारे 10 entries pass किए ना, ये हमें नहीं पूछे गए थे। हमें क्या पूछा गया था? ध्यान दीजिए, हमें पूछा गया था show the journal entries in the books of company regarding forfeiture of share, ठीक है ना। तो company के book में ये जो entry number 7 है और entry number 10 है, entry number 7 और entry number 10, ये दो ही एंट्री आनी चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं टेक्स्ट बुक में इसका क्या सलूशन दिया हुआ है, क्या आंसर दिया हुआ है, क्या ये हमारे आंसर से मैच करता है। तो देखिए, पहले नीता का यहां पर अमाउंट है 2400 और इन्होंने कॉल्स इन अरियर्स लेने की जगह पर शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल लिया, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया था, ठीक है। और फिर डिस्काउंट का बात आ जाता है और फोरफीचर का आ जाता है। तो आप चेक कीजिए इनका सलूशन हमारे सलूशन के साथ में। 2400 यस करेक्ट है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट 900 करेक्ट है और डिस्काउंट 300 करेक्ट है, बाकी हमने कंबाइन कर दिया। तो हमारा आंसर परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली संजय का भी यहां पर सलूशन देखिए। तो संजय के सलूशन में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इन्होंने लिखा है, जबकि हमने ये दोनों को ऐड करके 1600 लिख दिया है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉल्स इन एरियर्स के थ्रू जाना चाहते हैं या इनका जो मेथड है डायरेक्ट वाला, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये भी हमने फिनिश किया, ओके। आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 12 नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेप इज रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। आप ये बात समझिए कि कोई भी कंपनी शेयर जब कैंसिल करती है मतलब वो शेयर छीन ले रही है, आया ना। सपोज मिस्टर दिव्यांश है और दिव्यांश ने अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे नहीं किया है और उनके पास 200 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स थे दिव्यांश के पास और उन्होंने कॉल मनी पे नहीं किया। तो हमने उनको रिमाइंडर लेटर भेजा, हमने उनको वार्निंग लेटर भेजा, ये सब नहीं सुनने के बाद में हमने उनके शेयर फोरफीट कर लिए। अभी एक शेयर 10 रुपीज का था और दिव्यांश ने अब तक 6 रुपीज पे किए थे। कितने पे किए? 6 रुपीज पे किए, 4 रुपीज पे करना बाकी था। हमने उसी समय उनके शेयर छीन लिए, अब वो शेयर हमारे पास पड़े हुए। कोई भी कंपनी अपना खुद का शेयर अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रख सकती। या तो आप उसे कैंसिल कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, या तो किसी और को इश्यू कर दें। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आपने अगर किसी से शेयर छीन लिया तो यह समझा जाएगा आपने उससे शेयर परचेस किया है। कोई कंपनी अपने खुद के शेयर परचेस कर सकती नहीं है, ना ही अपने पास ज्यादा समय तक रख सकती है, क्योंकि वो इशूड शेयर में काउंट होता है, ठीक है ना। ऐसे केस में या तो आप ये शेयर को क्या कर दो? डिस्ट्रॉय ही कर दो, खत्म ही कर दो, कैंसिल ही कर दो, नहीं तो किसी और को रीइश्यू कर दो। और ज्यादातर ये जो शेयर जब रीइश्यू होते हैं वो डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं। मतलब 10 रुपए का शेयर है तो जरूरी नहीं कि वो 10 रुपीज पे इशू होगा, नेक्स्ट टाइम वो 9 रुपीज 8 रुपीज पे भी इशू हो सकता है।
तो ये जो फोरफिटेड शेयर हमने हमारे पास रखे थे, जब वो रीइश्यू होगा तो उसका क्या इफेक्ट देना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसको समझने के लिए हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या कहता है ये? कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2। मतलब क्या है, उसके ऊपर 8 रुपए पे किए जा चुके थे, 2 रुपए नहीं आए थे, इसके लिए हमने 1000 शेयर छीन लिए, तो ये फोरफिटर हो गया, ठीक है ना। ऑल द फोरफिटेड शेयर वेयर इशूड एट रुपीज 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो हमने वो जो 10 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला शेयर था वो 6 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया, फुल्ली पेड करके इश्यू कर दिया। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल से हम समझेंगे कि इसका इफेक्ट कैसे देना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर, पास The journal entries in the books of company for forfeiture and reissue of share. पहले हमें forfeiture का effect pass करना है, ठीक है? तो forfeiture के लिए क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पर ये judge करोगे कि कितना amount pay हो चुका है। तो share forfeiture account जो है, उसके अंदर क्या amount आएगा? तो उसके अंदर कौन सा amount आया? Already कितना amount pay हो चुका है ना? तो 1000 शेयर है हमारे पास, इंटू आप देख रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर था और फाइनल कॉल 2 रुपीज पे नहीं किया था, मतलब 8 रुपीज पे हो चुका था उस पे। सो इसका टोटल कितना आ जाता है? इसका टोटल आ जाता है 8000 रुपीज। यस सर, ये 8000 आ गया। और जब आप कॉल्स इन एरियर्स मेंशन करोगे, दो चीजें ही चाहिए रहती है ना आपको, एक तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट और दूसरा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो 1000 शेयर इस पे 2 रुपीज पे नहीं हुआ है, दैट मींस 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप शेयर फोरफिचर की एंट्री पास कर रहे हो तो आप पहली एंट्री यहां पर लिखेंगे, एंट्री नंबर 1। कहां से स्टार्ट करेंगे? शेयर कैपिटल हमेशा जो क्रेडिट होता था कैंसल करने के दौरान डेबिट होगा। यू विल राइट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर? 1000 शेयर। फेस वैल्यू क्या था? फेस वैल्यू था 10 रुपीज। अकाउंट डेबिट, तो यहां पर वैल्यू क्रिएट होगा 10,000। यस सर। नेक्स्ट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, वो हमने पहले बना लिया, कितना आना चाहिए यहां पर? 8000 वर्किंग में हमारे है। दूसरा टू कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितना? 2000। Being share forfeited, being share forfeited, how many share? 1000 share forfeited for non-payment of call। चलो ये बात तो समझ में आती है, बहुत सही चीज है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? रीइश्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीइश्यू कर रहे हैं। अब रीइश्यू के समय पे क्या बात हो गई? देखो, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वेर इशूड एट रुपीज 6 पर शेयर, 6 रुपए में इश्यू हो रहा है ना। तो अमाउंट कलेक्टेड ऑन रीइश्यू, अमाउंट कलेक्टेड ऑन रीइश्यू कितना अमाउंट कलेक्ट होगा? अगेन 1000 शेयर्स इनटू 6 रुपीज के हिसाब से हम कलेक्ट कर रहे हैं यहां पर, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 6000, ठीक है। ये अमाउंट क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। तो ये जब अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप शेयर दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू विल राइट ओवर हियर
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं 6000, ठीक है ना। एंड यू विल राइट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर है ये कितने शेयर है, ये 1000 शेयर है, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का शेयर है भाई, कितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है। तो कैपिटल कितने का क्रिएट होना चाहिए, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10000। लेकिन हमारे पास पैसे तो आए 6000, तो रिमेनिंग जो 4000 है वो कहां से आएगा। तो ये जो रिमेनिंग 4000 है, आपको याद है हमने इसके पहले जिससे शेयर फोरफिट किया था उससे हमने 8 रुपीज के हिसाब से 8000 तो ले लिए थे ना, तो वो 8000 तो हमारे पास पड़े हुए हैं रिजर्व में, यस सर। तो उसमें से हम ये 4000 एडजस्ट करेंगे, हम लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, वहां से हम 4000 एडजस्ट कर रहे हैं डेबिट। ये समझा क्या? सो हम लिखेंगे बीइंग फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। तो सर ये जो देखिए यहां पर तो 8000 दिखाई दे रहा था और आपने एडजस्ट किया 4000 ही, तो बाकी के 4000 कहां गए? वो कंपनी का फायदा, वो कंपनी का फायदा। क्या ऐसा फायदा बार बार होता है? क्या हमारा काम यही है शेयर फोरफिट करके किसी और को इश्यू कर दो फायदा कमाओ? नहीं, ये वंस इन अ वाइल कभी कभार हो गया तो हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमको बेनिफिट मिला है ये हम एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो रिमेनिंग जो 4000 है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री वी विल राइट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो देखो 8000 में से 4000 तो एडजस्ट हो गए, बाकी के जो 4000 है वो हम कहां डाल रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। तो ये 4000 कैपिटल रिजर्व में चले गए और बैलेंस शीट में उसी प्रकार से दिखाई देंगे। सो हम लिख देते हैं बीइंग बैलेंस इन शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये तीन एंट्री आपको पास करनी है। ये हमने क्या किया, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हमने शेयर को रीइश्यू किया, डिस्काउंट पे इश्यू किया, तो बाकी के जो 4 रुपए हैं ये हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट का जो हमको बेनिफिट हुआ था 8000 का वहां से एडजस्ट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आज हमने रीइश्यू ऑफ शेयर भी देख लिया, आगे के जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम न्यू क्वेश्चंस, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर, सायोनारा।